एक समय था जब भारत ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पड़ोसी यानी बांग्लादेश को डिफॉल्ट होने से बचाया था। दरअसल बात 2016 की होगी, जब टेरर फंडिंग के मामले में FATF ने बांग्लादेश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। अब आपको भी पता होगा कि जो देश टेरर फंडिंग के मामले में ग्रे लिस्ट में जाते हैं, उन्हें बाहरी मदद मिलनी इतनी भी आसान नहीं रहती। सीधे शब्दों में कहे तो ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को लोन और वित्तीय पैकेज मिलना लगभग बंद हो जाता है। ऐसे देश IMF या वर्ल्ड बैंक के पास गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती। बांग्लादेश भी जब ग्रे लिस्टेड हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा था। लोन छोड़िए, कोई भी विदेशी कंपनी बांग्लादेश में प्लांट लगाने को तक तैयार नहीं थी। तब उस वक्त भारत ने हजारों करोड़ रुपयों की मदद करके और अपनी कंपनियां बांग्लादेश भेजकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लाने का काम किया था। यही वजह थी कि शेख हसीना ने कभी भारत विरोध में ना तो कोई स्टेटमेंट दी, ना ही पाकिस्तान से हाथ मिलाया, क्योंकि वो भारत के एहसानों को भूली नहीं थी। लेकिन अब सब उल्टा पुल्टा हो चुका है। मतलब हसीना का बांग्लादेश भारत के साथ था, तो यूनुस का बांग्लादेश शी जिनपिंग और शहबाज के साथ है। आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश ने चीन को लगभग अपने घर में बुला लिया है। देखिए न्यूज भी क्या निकल कर आई है। चाइनीज नेवी के डिस्ट्रॉयर्स बांग्लादेश आ पहुंचे। जी हाँ, सीधे हिंद महासागर में, जहाँ कभी भी इन चीनी जहाजों के आने की हिम्मत भी नहीं हुई, वो अब बांग्लादेश का दौरा करने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नौसेना का एक जंगी बेड़ा शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्तापलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला चीनी जंगी बेड़ा है जो भारत के इतने नजदीक आ पहुंचा। अभी जहाज एक्सरसाइज के लिए आए हैं या बांग्लादेश की नेवी से मिलने, अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ विन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन बांग्लादेश के संबंध पहले से और मजबूत होते जा रहे, जो भारत नहीं बना पा रहा। इस पर भारत की ओर से बांग्लादेश को कहा गया था कि चीन के जंगी जहाज हमारे समंदर में इतने नजदीक आना अच्छी बात नहीं, एक्सरसाइज के लिए बुलाना अलग बात है, लेकिन ये जंगी जहाज खुद बांग्लादेश का दौरा कर रहे, वो भी बांग्लादेश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। इस पर बांग्लादेशी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। हो सके तो इन जहाजों को जल्द से जल्द वापस भेजने का प्रबंध किया जाए, वरना ये चीनी जासूसी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इस पर चीनी नौसेना की ओर से ये कहा गया कि हम बांग्लादेश के स्पेशल जोन में ठहरे हैं, न कि भारत के, तो भारत क्यों इतना तेल मिला रहा है। चाइनीज नेवी बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने जा रही है, लगता है वो भारत से देखा नहीं जा रहा, क्योंकि फिलहाल यूनुस सरकार भारत के फेवर में जो नहीं। लेकिन भारत भी याद रखे कि जब तक बांग्लादेश हमें नहीं कहेगा, तब तक हमारा एक भी जंगी जहाज हिंद महासागर छोड़कर वापिस नहीं जाएगा। इसीलिए भारत हमें दादागिरी ना दिखाए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ भारत का बोलना भी ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे पड़ोसी ही निकम्मे है, तो दूसरों को बोलकर क्या फायदा। लेकिन बांग्लादेश ये बात जरूर भूल चुका है कि संकट समय किसने उसकी सहायता की थी। जय हिंद।